मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों इस समय मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक खास एपिसोड में। आप सभी लोग को पता है कि जब भी शहबाज भाई का लाइव आता है उनके तुरंत बाद मेरा एक एपिसोड आता है जिसका नाम होता है ईंट का जवाब पत्थर से। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास एपिसोड में। साथियों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि आज 15 अक्टूबर का दिन है, 16 अक्टूबर स्टार्ट हो गई है और आपा डॉक्टर नहुरा शेख को 2 साल हो गया है अरेस्ट होके। और जब 1 साल पूरा हुआ था पिछली बार तो इन लोगों ने बहुत सारी खुशियां मनाई थी और उसी तरीके से आज भी अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तमाम बातें वीडियो के जरिए कह रहे हैं। साथियों आज मैं आप लोगों को पूरी बात तफसील से बताना चाहता हूं ताकि आपकी समझ में आ सके कि आखिर इसमें पूरी स्टोरी क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तमाम कंपनीज के वीडियोस बनाते रहता हूं और जमीनी स्तर पर कवर करता हूं। हर कंपनी के डायरेक्टर का स्टोरी अलग होता है, हर कंपनी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर कंपनी का वजूद अलग अलग होता है। इसके लिए मेरे एक वीडियो को दूसरे कंपनी के वीडियो से कभी कंपेयर ना करें। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर अभी शहबाज भाई का लाइव मैं देख रहा था, पूरा वही आंखों के पर्दे कानों के ढक्कन की दुकान खोलकर, होलसेल दुकान जो कि चाइना का रिजेक्टेड माल है, दुकान खोलकर बैठे हैं और वही पुरानी बकवास जो 2 साल पहले कर रहे थे, जो 1.5 साल पहले कर रहे थे, जो 1 साल पहले कर रहे थे, 6 महीने पहले कर रहे थे, वही आज भी कर रहे हैं। इन लोगों ने मासूम इन्वेस्टरों के कंधे पर, जिसको आपने कहावत सुनी होगी कंधे पर बंदूक रख के चलाना, वो चलाए। जब इनका मकसद पूरा हो गया तो जैसे लोग टिश्यू पेपर से हाथ पोंछकर फेंक देते हैं उसी तरीके से लोगों को फेंक दिया। पहले लोगों को यह बोलकर कंप्लेंट करवाया कि 3 महीने में, 3 दिन में पैसा मिल जाएगा, हम दिला देंगे, कुछ लोगों ने कंप्लेन किया इनकी बात पे यकीन करके। उसके बाद जब 3 दिन पूरा हो गया तो 3 महीना बोलने लगे, 6 महीना बोलने लगे, 13 महीना बोलने लगे, 2 साल का समय आ गया। तो आज वीडियो में क्या बोल रहे हैं कि अभी इसमें पैसा मिलने में समय लग सकता है। ये सबसे बड़ा धोखा है, लोगों को गुमराह करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, लोगों का इस्तेमाल करके अपने काम को साधना, अपने मकसद में कामयाब होना, किसी भी कीमत पर इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। आपा को 15 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इन लोगों ने फैब्रिकेटेड, झूठी और प्लांटेड स्टोरी के जरिए लोगों को यह बताते हैं कि एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि साथियों पूरी तरीके से गलत बात है, पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। किसी भी चार्जशीट में, पुलिस के किसी प्रकार की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। ये इनके द्वारा एक बनावटी कहानी है लोगों के दिमाग में डर पैदा करने के लिए। आपा डॉक्टर नहुरा शेख को अपने कस्टमरों से दूर करने के लिए, उनके बीच में जो रिश्ता बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए, लोगों के बीच में तफरका पैदा करने के लिए इस तरह की
प्लांटेड स्टोरी का सहारा लिया गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हैदराबाद के बैरिस्टर हैं, उनका खुद का एक सूदी बैंक है। सूदी बैंक का कारोबार काफी धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मार्केट में आने से सब सारे इन्वेस्टरों का रुझान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ जाने लगा। जब सारे लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ जाने लगे तो इनका सूदी कारोबार पूरी तरीके से बंद पड़ने लगा। उसका बदला लेने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को निशाना बनाया गया। 15 साल से ज्यादा चलती हुई कंपनी को टारगेट किया गया। खुद अपने वीडियो में शाहबाज भाई कबूल कर रहे हैं कि 2010 से कंपनी के खिलाफ वीडियो बना रहे थे, 2010 से वीडियो बना रहे थे, लेकिन कामयाबी 2018 में मिली। क्यों 2018 में मिली? क्योंकि बीच में मोनेटाइजेशन का मामला आया, जीएसटी का मामला आया, इससे तमाम लोगों का धंधा बिजनेस चरमरा गया, तमाम पैसों की आवाज आई और ट्रांजैक्शन में लिमिट लग गई, और ये लगातार निगेटिव वीडियो सोशल मीडिया में बनाते रहे, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करते रहे और अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये पहली बात थी, इनके सूदी बैंक का नुकसान होना और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का आगे बढ़ना, ये पहली वजह थी। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टी की होने के नाते इनकी कुछ एक लैंड ग्राइबर पार्टी है हैदराबाद के अंदर, उनका सबसे बड़ा मकसद ये था, हमारे सामने कोई पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने खड़ी होती है तो जो एक दो सीट जीत के आते हैं वो भी जीतना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, तमाम प्रकार से स्टोरी क्रिएट की गई, लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को पैनिक किया गया तमाम वीडियोस के माध्यम से। दिन रात सुबह शाम वीडियो बनाते रहे, उसी समय मोनेटाइजेशन और जीएसटी का मामले की वजह से पैसों के आवागमन कम हो जाने की वजह से, पेमेंट थोड़ा लेट होने की वजह से अपने मकसद में लोग कामयाब हो गए। आपको अच्छी तरीके से पता होगा और आप इनकी नीयत देखिए, इन लोगों की, कि एकदम स्टार्टिंग से आप सोचिए, पहले चाहते तो अपने एसोसिएशन के माध्यम से हैदराबाद में एक FIR हुआ था, वहां पर भी कोर्ट का फैसला आ सकता था, लेकिन मल्टीपल FIR कराने का क्या मकसद था कि मैं 2 FIR कराऊंगा, 2 में बेल मिलेगी तो और 2 FIR कराऊंगा, और 2 में बेल मिलेगी तो और 2 FIR कराऊंगा। इनका सीधा सीधा मकसद था कि आपा को किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आने देना। इसीलिए स्टेट वाइज FIR कराए गए, कंप्लेनरों को पैसा दिलाना मकसद नहीं था। आज भी देखेंगे वीडियो में यही बात कर रहे हैं, लिक्विडेशन लिक्विडेशन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब यह है कि 10 रुपए का माल 2 रुपए में बेचो, ये लोग अपना खरीदने वाला लोग खड़ा कर लेंगे, 8 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा लोगों को, इन्वेस्टरों को पैसा मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
साथ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, पॉलिटिकल साजिश रची गई। साजिश करने वाले और चेहरा किसी और का लगा लगा कर, कोई विजिल ब्लोअर बन के आ रहा है, कोई दूसरा कुछ बन के आ रहा है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर कितने परेशान है इसकी इनको कोई चिंता नहीं है। कंप्लेनर बेचारे भी उतने ही परेशान है, नॉन कंप्लेनर भी उतने ही परेशान है, सब परेशान है। इनको खाली अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है। एक औरत को कैसा जेल में रखना जिन्होंने 15 साल कंपनी चलाई और लाखों लोगों को अपने साथ जोड़कर रखा, लाखों परिवारों का भरण पोषण किया, सो कैसा बदनाम करना, पब्लिक की नजरों से गिराना, राजनीति में कोई प्रतिद्वंदी पैदा ना हो जाए इसके डर से उसके खिलाफ साजिश रचना, इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाए गए। लेकिन आपा का उन्हें दिन से क्या मकसद था कि कोर्ट जो जजमेंट देगा उनके अंदर दो बातें हैं, एक तो उनको अल्लाह पे तवक्कल है, कि जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा, और दूसरी बात उनको देश के अदलिया पर भरोसा है, कोर्ट पर ट्रस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा मैं उसको मानूंगी। साथियों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने जो एफिडेविट दिए है कोर्ट के अंदर, पहले 16 महीने का दिया था, चार चार महीने का, अभी 12 महीने का दिया है, तीन तीन महीने का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोग वीडियोस के माध्यम से बोल रहे हैं, मैं सुना भी एक दो दिन पहले, काफी बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने कहा कि कंप्लेनरों की बात तो की गई लेकिन नॉन कंप्लेनरों की बात नहीं की गई। साथियों, ये पूरी तरीके से गलत है, झूठ है और बेबुनियाद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें जो आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने 16 महीने का एफिडेविट दिया था कस्टमरों को पैसा देने के लिए, उसको मद्देनजर रख करके जजमेंट आया है। जब कोर्ट में 5,600 करोड़ की बात हो रही थी तो आपा के द्वारा एफिडेविट दिया गया था कि हम 25-25% पैसा चार चार महीने में लोगों को देंगे। वही एफिडेविट बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला गया था, वही तेलंगाना हाई कोर्ट में डाला गया था, वही सेशन कोर्ट्स में डाला गया था, और वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी डाला गया है। कोई एसोसिएशन बनाने आता है, कोई आपसे किसी फॉर्म पे साइन करवाने आता है, मत करिए आप ऐसा, लोग आपको नए जाल में फंसा करके एक नई मुसीबत में डाल देंगे। जो भी लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अब आप लोग किसी की चाल में मत फंसिए। तमाम लोग मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी लेकर आपके पास आएंगे, कभी एसोसिएशन का दावा करेंगे, कभी फॉर्म पे साइन कराएंगे, कभी आपसे पैनिक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपको परगलाएंगे, घुमाएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे और अपना लाल करेंगे, इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह आपको फेंक देंगे और खुद हीरो बनने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मुझको लोग पूछते हैं ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है, ईमान इसको नहीं बोलते हैं, ईमान उसको बोलते हैं कि जो अपने रास्ते से कभी टकमगाए ना। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं ईमान टकमगा गया, ईमान वाले बंदे कभी टकमगाते नहीं, अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहते हैं। शहबाज भाई ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला, बोले कि आपा को भी बोल रहे हैं, आपा की वालिदा को भी बोल रहे हैं,
दोनों का नाम ले रहे हैं, बोले दिल्ली में दोनों को पकड़ लिया था। वीडियो सुनिए उनका, एक जगह पे 25 लाख बोल रहे हैं, एक जगह 25 करोड़ बोल रहे हैं। मामले को लेकर लोग कितने गंभीर हैं आप लोग इसका अंदाजा लगाइए। अभी सब लोगों को उनकी सच्चाई पता चल गई है। तीन दिन में दिलाएंगे, 3 महीने में दिलाएंगे, 13 महीने में दिलाएंगे, 2 साल बीत गया, अब बोल रहे हैं अभी और टाइम लगेगा। और आपने अपने सभी इन्वेस्टरों को कहा है कि बाहर आने के बाद 25-25% पैसा करके अभी 3-3 महीने में लोगों को पैसा देंगे। साथियों आप मुझे बताइए, जब ये मामला पूरा सेशन कोर्ट से होता हुआ, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, अचानक कुछ लोगों के दिमाग में हड़बड़ी क्यों मच गई है? इतनी बेचैनी क्यों है भाई? किसी को एसोसिएशन बनाने की जल्दी है, किसी को आईपीजी नंबर लेने की जल्दी है, किसी को फॉर्म भरने की जल्दी है, किसी को कंप्लेन कराने की जल्दी है, किसी को पैनिक करने की जल्दी है, ऐसा जल्दी क्यों है? आप लोग साजिश को समझिए, दुश्मनों की साजिश को समझिए। आपा की टोली चौकी की जमीन की कीमत आज की तारीख में 148 करोड़ का जब लिया था, अभी 700-800 करोड़ है। ऐसा 96 प्रॉपर्टी अपने मुंह से रोज चिल्लाते हैं, 96 प्रॉपर्टी है, 96 प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वैल्यू बताने वाली बात होती है तो 300 करोड़ पे आकर इनकी सुई अटक जाती है। आपने जितना भी पैसा लगा के जो भी प्रॉपर्टीज लिए, उनकी सारी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है। 2 साल पहले जो कीमत थी आज भी वही बताते हैं। तो जो लैंड ग्राइबर लोग रहते हैं, रियल एस्टेट के दलाल रहते हैं, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट मालूम रहता है। जिसने मेहनत से, खून पसीने की कमाई से या लोगों की गाढ़ी कमाई से जो चीजें बनाई है, उनको उस पर ध्यान नहीं रहता है। ये लोग लिक्विडेशन के पीछे क्यों पड़े हैं? तमाम पार्टियां रेडी होंगी। देखा वो दिन जब भी किधर सऊदी या दुबई किधर जा रहे थे, बताए हाँ बड़ी बड़ी पार्टियां रेडी है खरीदने के लिए, वो सिर्फ लिक्विडेशन की बात करेंगे क्योंकि उसमें उनका फायदा है। और किसी को फ्री सर्विस नहीं दे रहे। लैंड ग्राइबर टाइप के लोग ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो पहले लगाते हैं बाद में कमाते हैं। जब 10 रुपए वाली चीज 2 रुपए में खरीदेंगे तो कमा लेंगे, ऐसा गुड़ा गणित लगा के बैठे हैं। आज साथियों आपको समझना होगा दुश्मनों की चाल को। समाज में मैं भी आपको मान गया यार, हद हो गई। लोगों को, लोग खून के आंसू रो दिए, कितने लोगों के घरों से जनाजे उठ गए, कितनी बेटियों की शादी रुकी पड़ी है और आपको लिक्विडेशन की पड़ी है। पच्चीस पच्चीस परसेंट देने वाली बात कोर्ट में कही गई थी। कोर्ट में अगर कोई एफिडेविट लिख के देता है तो अपनी बात से नहीं मुकर सकता, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का एक्स्ट्रा मुकदमा चलता है, इसका भी ख्याल नहीं रखा। दो साल हो गए, लोगों की परेशानियां हम लोग जानते हैं, हम सभी लोगों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। लोगों ने लाख आपा डॉक्टर नवीर अशोक को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन 99% लोग रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े रहे। सल्यूट करता हूं मैं आप सभी लोगों को कि आप लोग दुश्मनों की साजिश का शिकार नहीं हुए। और अब यह मामला बिल्कुल अनकरीब है,
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसमें जजमेंट आएगा। जब भी तेलंगाना के अंदर केस चल रहा था, रोज रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक वीडियो बना के अपलोड करते थे। क्या बोलते थे, इनके 100 वीडियो देख लो, 23 दिसंबर के पहले का 100 वीडियो देख लो, मामला ये सफाइयों में नहीं जाएगा बोलते थे, बेल नहीं होगी बोलते थे, घंटे घंटे पर उस पर डिस्कशन करते थे, लोगों को पैनिक करते थे। लेकिन कोर्ट में जजमेंट क्या आया आप लोग जानते हैं ना, किसी के ऑडियो वीडियो बनाने से कोर्ट के जजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 वीडियो बना डाले मगर मामला ये सफाइयों में गया और केस क्लब हुआ, आपा को बेल मिली। एक भाई बोल रहे थे कि तेलंगाना का जो जजमेंट आया था वो बोल रहे कंप्लेनरों के हक में आया था। गलत, झूठ। अगर कंप्लेनरों के हक में आया था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? जो पार्टी हारती है वही सुप्रीम कोर्ट जाती है। क्या तेलंगाना गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि कंप्लेनरों के हक में जजमेंट आया हो और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसी जजमेंट को चैलेंज करे? आप खुद बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, लोगों को पैनिक करने के सिवाय, लोगों को गुमराह करने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला आखिरी मरहले पर चल रहा है। ये दुश्मनान हीरा की नीयत कभी नहीं थी लोगों को पैसा दिलाने की। अगर ऐसी नीयत होती तो लोग लोगों के दर्द को महसूस करते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं। जहां पर आपा के चलते बाहर आने का रास्ता साफ होता और आपको आपका पैसा मिलता। आपा ने बंजारा हिल्स में जो ऑफिस बनाया है, उस ऑफिस की बुनियाद, उसकी पिलर्स, ये बताते हैं कि आपा का विजन कितना बड़ा था। उनका पॉलिटिकल विजन भी बहुत बड़ा था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो किसी मुसलमान या हिंदू के तुष्टीकरण की राजनीति का सख्त विरोध करती थी और लैंड क्राइबर पार्टी के आका को समझ में आ गया था कि अगर इस औरत की यह विचारधारा रही तो बाद में हमारे लिए, हमारे पॉलिटिकल कैरियर के लिए सही साबित नहीं होगा। इस वजह से आपा को जमींदोज करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए 2010 से लेकर 2018 तक लगातार स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट लिखते रहे, साजिश पे साजिश रचते रहे। और जैसे ही जीएसटी और मनी जो डिमोनेटाइजेशन का मैटर आया, फायदा उठाए और अपने मकसद में कामयाब हुए। लेकिन साथियों देखिए, साजिश करने वाले अपने मकसद में कामयाब होकर थोड़ी देर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन ये इंडिया है, कोर्ट है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट आएगा तो जैसे तेलंगाना का जजमेंट आने के बाद सब फरार थे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी जजमेंट आएगा तब ये दुनिया भर का बहाना बताएंगे, अरे ऐसा नहीं वैसा हुआ, वैसा नहीं ऐसा हुआ। तो साथियों, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। आपा ने उन्हें दिन से लोगों को पैसा देने की बात कही है, वो बाहर थी तभी भी उन्होंने यही कहा था, अंदर है तो भी उन्होंने यही कहा है। 15 साल तक जो कंपनी चलाता है, स्कैमर 15 साल कंपनी नहीं चला पाते। मैं 50 कंपनीज की स्टोरी जानता हूं, कंपनियों के मामले में जानकारी मेरी बाकी लोगों से ज्यादा है। 15-20 साल एकदम सही नियत रखने वाला बंदा ही कंपनी को मार्केट में सब सरवाइव कर सकता है। अगर आपा को फ्रॉड करना होता
तो भाड़े के ऑफिस लेके लोगों से पैसा ले लेते हैं। उन्होंने जितनी भी चीजें बनाई पूरी तरीके से स्ट्रांग बनाई। उनका मकसद था गरीबों को अच्छा मुस्तकबिल देना, लोगों को सहारा देना, गरीब बेवाओं को, विधवाओं को, माताओं बहनों को रोजगार देना, वुमेन एम्पावरमेंट करना और एक साफ सुथरी राजनीति को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ावा देना, यह उनका मकसद था। और आज भी जब हम उनको कोर्ट में देखते हैं, कभी कभी कोर्ट की हियरिंग में आमना सामना होता है, आज भी उनकी आंखों में वो सारे के सारे सपने जिंदा हैं। आप लोगों ने एक बहुत लंबा इंतजार कर लिया है, इंशाल्लाह आपका इंतजार अब खत्म होगा। और दुश्मनों की जो कोर्ट कोर्ट और जेल से जेल घुमाने की जो साजिश थी उसमें विराम लगेगा। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच चुका है, इसका जजमेंट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएगा। तेलंगाना के अंदर जो जजमेंट आया था उसने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में की सूरत और सीरत क्या होगी। ये लोग कुछ भी बोलते रहे, सीबीआई बोलते रहे, सीआईडी बोलते रहे, बोलने दो, बोलने से क्या होता है। आप लोगों के जीवन में खुशियां बहुत जल्द आने वाली हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तमाम लोग घर का रेंट नहीं भर पा रहे हैं, तमाम लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, मुझे बहुत सारे फोन आते रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के जख्मों पर मरहम लगा सके। आप डॉक्टर नोएडा से का जो मकसद था लोगों को आगे बढ़ाने का, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का, वो अपने सपनों को पूरा करें। और ये जो लोग पुंजी चीट फ्रॉड तमाम नाम दे रहे हैं, तमाम नाउन प्रोनाउन के संज्ञा लोग दे रहे हैं, इनके मुंह पे ऊपर वाला कालिक पोत दे, कुछ शीशे में अपनी शकल को देखकर इनको शर्म आ जाए, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, ऐसी नौबत बहुत जल्द आए, ऐसी दुआ मैं ऊपर वाले से करता हूं। और जिस तरीके से कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया है कि आखिरी तम तक आप लोगों का साथ ही हुई देता रहूंगा, साथियों मैं अपना यह वादा पूरा करूंगा, तोला मासा गैंग की तरह हरकत नहीं करूंगा। और उन सभी लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, भाइयों को, उन बहनों को जो आप डॉक्टर नवीरा शेख के सपोर्ट में 172,000 इन्वेस्टरों के सपोर्ट में वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर लोगों को समझाए बताए और इस मुकाम तक पहुंचाए कि आज मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और जजमेंट बहुत जल्द आने वाला है। आप लोगों को जल्द न्याय मिले, जल्द आपको आपका पैसा मिले, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। इसी बात के साथ मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।